बैठो। क्या बात है, इतनी देर बुलाया? कुछ नहीं, मुझे सुबह एक सपना आया था, वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, सुबह आने वाले सपने सच होते हैं, क्या था बताओ? एक जंगल था और उसका किंग था एक शेर, उसकी पीकॉक जैसी एक प्रेमिका और उसका एक भाई चीता और उसके बेस्ट फ्रेंड्स एक चूहा और एक हाथी। इन पावरफुल जानवरों ने मिलकर एक बार हंटिंग स्टार्ट किया था, पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। फाइनेंस करने के लिए दिल्ली से एक गीदड़ आ गया, मुफ्त का खाने वाला वो ब्रोकर गीदड़ पूरे प्रोजेक्ट को अकेला ही निकल जाना चाहता था। इनोसेंट एलिफेंट पर पहले उसने एलिगेशंस लगवाए, बिना दिमाग के शेर ने गीदड़ पर पूरी तरह से भरोसा करके उस हाथी को मार डाला। लेकिन वो गीदड़ वहाँ तक नहीं रुका, बेचारे चूहे की नजर पीकॉक पर है, कहानी बनाकर उस पर भरोसा करवा दिया। शेर अपना होश खो बैठा और इसका गीदड़ ने फायदा उठाकर चूहे को जहर देकर मार डाला। फिर भी वो साला सेटिस्फाई नहीं हुआ, आखिर में चीते पर भी इल्जाम लगा दिया। बेवकूफ शेर को पीछे क्या हो रहा है पता भी नहीं चला और उसने अपने भाई चीता मार डाला। इस उम्र में यहाँ से भाग तो नहीं पाऊंगा, जान की भीख मांगना ही ठीक रहेगा। अब क्वेश्चन आंसर रहो, इस सपने में शेर कौन था? तुम। गुड। और हाथी? मिनिस्टर नागराज। वेरी गुड। तो फिर चूहा? SP अर्जुन। एक्सीलेंट। पीकॉक? सुशीला। चीता? दुर्गा। अमेजिंग। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, गीदड़ कौन था? गीदड़ के बारे में जानकर क्या करोगे, उसके पीछे डायनासोर भी है। कोई डायनासोर नहीं है, वो तो स्पीलबर्ग की क्रिएशन है और ये उस गीदड़ की मैनिपुलेशन। आप इससे बात क्यों कर रहे हैं भाई, मार डालते हैं इसे। नहीं, ऐसे नहीं, इसकी मौत इतिहास बन जानी चाहिए।